उम्मीद रहेगी आगे चुनाव की? जी उम्मीद रहेगा चुनाव, जैसे कि आप सभी जानते हो कई दिनों से ये सब चल रहा है। आज तो सिंपल अलाटमेंट का नया नियम था, तो अभी भी उसमें समय लग रहा है। और हमने देखा कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर मुझे इसको छोड़ के फिर आना पड़ा, अभी वापस आप वही देने के बाद मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं पहले से मेरी रणनीति है कि किसान का बेटा हूँ, गन्ना किसान चुनाव से लेके आया हूँ। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाकी जो कैंडिडेट हैं जो आए हैं बाहर से आए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोटाले को दिया हो या फिर समाजवादी पार्टी ने जो बसपा में घोटाले किया उनको दिया हो। श्याम सिंह यादव ऐसे रहे जो पहले भी सांसद रहे, कुछ काम नहीं किया है, और जो वाले भी क्षेत्र से सीमित जी लोकसभा चुनाव जो मैं लड़ने जा रहा हूँ, जो सीमित लोकसभा से मैं प्रत्याशी बन गया है, तो मैं जो गन्ना किसान को सारे लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जैसे मैं सांसद बन के आता हूँ तो सबसे पहले मैं किसानों को पेंशन देने का काम करूँगा, जो 60 साल की उम्र है, और उनको मैं बिजली फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूँगा। उनको ही नहीं बल्कि मैं पूरे जौनपुर वासियों को, 73 लोकसभा के लोगों को हम खास बिजली फ्री देने का काम करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर सांसद जाता हूँ तो ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा। मैं जो गन्ना मिल बंद है, ये सागर है, उसको मैं बनवाने का काम करूँगा, और मैं खेल का मैदान भी बनवाने का काम करूँगा। सारी जो असुविधा है जो उनकी में उसको पूरा करने का काम करता हूँ, और अगर मेरी सरकार आती है, अगर मैं सरकार में शामिल होता हूँ, तो ये यही चीजें पूरे देश में करना चाहता हूँ। आप बैलगाड़ी से लेकर हेलीकॉप्टर तक की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में किसानों की उत्पत्ति बढ़ाएंगे जिससे वो भी हवाई यात्रा कर सके इस तरीके की? जी बिल्कुल, मैं पहले भी कई प्रोग्राम जो अपने पर्सनल किए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लोगों का, वहाँ पे जो रिक्शा चालक थे उसको भी 5 स्टार पे खाना खिलाने का काम किया है, और जो ISIPS थे या मिनिस्टर थे उनके साथ भी उनको बिठा के खाना खिलाने का काम किया। मैंने बाबा साहब का जो संविधान जो उन्होंने बनाया हुआ देश के लिए कि सबको बराबर, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो मेरी ऐसी सोच है कि वो चाहे 100 रुपये कमाता हो, चाहे 100 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन सबको साथ में, सबको इस देश में, भारतवर्ष में समान अधिकार मिले और उसको समान, सबके समान सम्मान मिले, ऐसी सोच रख के मैं बैलगाड़ी से पर्चा भरा हूँ। मैं 20 तारीख को हमारा परमिशन हम लेने जा रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर से भी दौड़ा करने का काम करेंगे, हम गाड़ियों के काफिला से भी दौड़ने का काम करेंगे, यानी सबको हम बताना चाहेंगे कि आप लोग जो सोचते हो कि एक बड़ा इंसान जो गाड़ी से दौड़ता है वही चुनाव जीत सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो ईमानदार आदमी होगा वो अगर जमीन से चलता होगा, उसके पास एक साइकिल भी नहीं है, वो भी देश के लिए न्याय कर सकता है, ऐसी समानता लोगों में आनी चाहिए। कृपा शंकर जी भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं आपके सामने, वह उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने की बात कर रहे हैं, एम्स बनवाने की बात कर रहे हैं, और जौनपुर के क्षेत्र की सुगंध को फैलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर थे उनके कहा थे जो आदमी सीएम के बाद सेकेंड चेहरा उसका होता है, और 40% उत्तर भारतीय मुंबई शहर के रहते हैं, सारे घर के लोग अब जौनपुर में दिखेंगे कि हर घर के कोई न कोई, हर घर का कोई न कोई इंसान वहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। तो उन्होंने क्या किया, जब होम मिनिस्टर थे, जब होम मिनिस्टर कांग्रेस में तो वहां से घोटाला करने के बाद कभी किसी की याद आई, क्योंकि जौनपुर वाले की याद आई क्या, तो लुभावने भाषण क्यों दे रहे हैं इसे? तो ये सब लुभावने भाषण है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। जैसे कांग्रेस में लेके महाराष्ट्र में लोगों को ठगने का काम किए, भ्रष्टाचार काम करने का काम किया है, तो उसी तरह से अगर जौनपुर में अगर जीतेंगे तो इस तरह से उनकी सोच है करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता अलर्ट है, जौनपुर की जनता होशियार है, जौनपुर वाले उनको कभी जीतने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने लुभावने वाले थे, वो चाहे 14 करोड़ के रहे हो या 14 लाख के रहे हो या ये धर्म को लेकर रहे हो, जात के लेकर रहे हो, इस सारे लोगों ने लुभावने भाषण किया, क्योंकि हर इंसान के खाते में 14 लाख रुपये विदेशी को खाते में आएगा तो मिलेगा, ये सारे खुबले वादे थे, सारे दुबले बात थे। बसपा ने श्री कलर कट कर दिया, ऐसे में आपको लगता है झंझा सिंह समर्थन मिलेगा?
बसपा से श्री कलाने का टिकट कटा है, तो इसे मैं आपको लगता है धनंजय सिंह समर्थक बिल्कुल ठाकुर समाज हमें चाहता है। हाँ, धनंजय लड़ते हैं तो एक अलग बात थी, जब श्री कला जी ने जब फॉर्म भरा था तभी मैंने कह दिया था कि उनके टिकट सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैं मायावती जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की टीम है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है वैसा ही करती है। मैंने कह दिया आकाश आनंद को भी अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है, और जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे तभी से पता चल गया था कि ये भी ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हुआ, वही जो हमने सोचा था। जैसे वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे वैसे उनको हटा दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मायावती का जो भी कैंडिडेट होगा, यानी बसपा का जो भी कैंडिडेट जहां भी लगता होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोलेगा उसको मायावती हटा देंगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं इसलिए बसपा को छोड़ा और अपनी पार्टी बनाई कि मेरे लिए कोई प्रतिकार नहीं है, जो गलत है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, हम लोगों को मजदूरों की आवाज को समर्थन।